अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैंने आपके लिए जो बनाया है ब्लैक चनों का सालन बनाया, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो ये खाने में बहुत ही मज़ेदार होता है, आसानी से बन जाता है। तो वीडियो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले व्यूअर्स, अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स देखिए, मैंने पहले चने को भिगो लिया था, ब्लैक चनों को भिगो के मैं तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए मैंने इसको भिगोया था। इसको भिगोने के बाद मैंने इसको तकरीबन 45 मिनट के लिए उसको भी मैंने बॉईल कर लिया। ये अच्छी तरह बॉईल हो गए हैं और गल भी गए हैं, तो इसको हम साइड पर रखते हैं। तो एक पतीला लिया है मैंने, इसमें मैंने 1 कप के करीब ऑयल डाला है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। एक बड़ी प्याज ली थी मैंने, जो कि इसको काट लिया है। अब ऐड कर देते हैं। बहुत ही मज़े के चने बनते हैं, ब्लैक चने का सालन बहुत ही मज़े का बनता है। प्याज को हमने तकरीबन ब्राउन करना है, लाइट ब्राउन करना है हमने प्याज को। तो व्यूअर्स देखें, हमारी प्याज जो है वो ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट हमने 2 टेबलस्पून हमने ऐड कर लें। ये 4 अदद हम कड़ी पत्ते डाल रहे हैं, गरम मसाला साबुत, एक बड़े अदद का प्याज, वो टमाटर काटे थे मैंने वो टमाटर ऐड कर दी। धनिया पाउडर डाल रही हूँ, 1 टीस्पून में लाल मिर्चों का पाउडर डाल रही हूँ। हाफ टी स्पून में हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। वन टी स्पून में नमक डाल रही हूँ। बस ये हल्के और तेज़ मसाले आप खुद अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि हर इंसान अपने मुताबिक, किसी को लाइट पसंद होता है, किसी को तेज़ मसाले पसंद होते हैं, तो वो जो आप अपनी मर्ज़ी से हल्के तेज़ कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। एक प्याले के करीब मैंने दही लिया था, वो ऐड करें। बहुत ही मज़ेदार चने बनते हैं ब्लैक वाले, अगर इस तरह से बनाए जाए तो यकीन आपको पसंद आएंगे। दो से तीन मिनट तक हमने मसाला जो है भूनना है, ताकि जो लहसुन अदरक की स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। तो व्यूअर्स देखें, हमारे 2 से 3 मिनट तक हो गए, मसाला अच्छी तरह भून गया है, लहसुन अदरक की जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो चुकी है, टमाटर भी हमारे डिज़ोल्व हो चुके हैं। जो हमने चने बॉईल किए थे वो इसमें ऐड कर रहे हैं, चनों के साथ जो थोड़ा सा पानी था इसको ब्लैक, तो ये इसी में ऐड कर रही हूँ। काफ़ी सारे लोग जो हैं वो उसको फेंक देते हैं, तो उसको फेंकना नहीं चाहिए। सारे विटामिन जो हैं इसके ब्लैक वाले जो इसका जो पानी होता है इसी के अंदर होते हैं। ये देखें अच्छी तरह हमारे, अब इसमें चाहे तो आप इतने ही रखना चाहती हैं ग्रेवी, तो इतने ही सही है,
दो से तीन मिनट तक आप इसको पकाएं, क्योंकि ऑलरेडी हमारा मसाला भी तैयार था, पका हुआ था, हमारे ये जो चने ब्लैक वाले ये भी पके हुए थे, तो सिर्फ दो से तीन मिनट तक आप पका सकते हैं। अगर आप चाहें इसमें ग्रेवी करना तो थोड़ा सा और मैं इसमें पानी ऐड कर देती हूँ। हाफ कप मैंने पानी इसमें ऐड कर दिया है। अब ये जो पानी ऐड किया है दो से तीन मिनट तक इसको हमने और पकाना है, ताकि जो अभी हमने पानी ऐड किया है वो अच्छी तरह और पक जाए। तो व्यूअर्स देखें, हमारे दो से तीन मिनट तक हमने जो इसमें पानी ऐड किया था फिर उसके बाद हमने पकाया, और दो से तीन मिनट तक ये हमने इसको पका के ये देखें पक गया है। हरी मिर्च ऐड करते हैं, थोड़ा सा हरा धनिया, ये मॉक कर देते हैं। व्यूअर्स देखें, हमारे ब्लैक चनों का सालन बनके तैयार हो गया, बहुत ही मज़ेदार है। आप चाहे रोटी से इसको खाएं, चाहे पराठे से खाएं, चाहे तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वाइट चावल बॉयल चावल के साथ खाते हैं, तो बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तो अपनी कमेंट्स मुझे ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।